मध्य प्रदेश के रायसेन से अगली खबर आ रही है, जहां वन परिक्षेत्र बेगमगंज के अमले ने 3 अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा। वही कार्रवाई कर लगभग 1,00,000 रुपए का सागौन की सिल्लियां भी फर्नीचर जब्त भी किए गए। इस छापेमारी कार्रवाई से सागौन लकड़ी के तस्करों के बीच अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक वन परिक्षेत्र बेगमगंज में वन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई अब तक जारी है। शनिवार को वन विभाग द्वारा DFO विजय कुमार के निर्देशानुसार यह छापेमारी कार्रवाई की गई, जिससे एक बार फिर वन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। लगभग 60,000 के आइटम भी अवैध सागौन जब्त किए गए हैं। साथ ही आरोपी रूप नारायण के घर से लगभग 50,000 की सागौन की लकड़ी और फर्नीचर सामग्री भी बरामद किए गए हैं। ग्राम बांसादेई बीट मोदकपुर के अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर वन स्टाफ श्रीमान वन परिक्षेत्र अधिकारी महोदय के निर्देशन में जाकर रामराज बल्द रघुवीर के घर पहुंचकर दबिश दी गई और जांच की गई, जिसमें उनके घर के बनी झोंपड़ी में लगभग अवैध वनोपज एवं सामान 1,50,000 का मिला, जिसकी कार्रवाई जारी है।